इतना सारा देखे, इतना सारा देखे कि अब मेरा कृपया मुंह ना बनाए। तू बोलती हो कुछ, हमको मत बोलो, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे बात तो नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे ये सोच के हम व्लॉग ना बनाए। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। अभी बज रहा है 8 और उठ के हम आ चुके, तो आज नाश्ते में बनने वाला है पास्ता, जिसके लिए पास्ता लेके हमको आना पड़ेगा दुकान से, और अभी थोड़ा देर के लिए दुकान पे भी जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि पापा लोग जाने वाले हैं मतलब सत्यम को लेके स्कूल, तो दादी भी जाएगी मानो के घर पे। तो चलिए चलते हैं दुकान पे। आगे हम पास्ता और अभी घर पानी को चढ़ा दिए, फटाफट से बॉईल करते हैं। उतने देर सत्यम अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, देख लो कैसे टाई बेल्ट ये लगाया है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसके बाद ही न जाएंगे, है ना सत्यम, इसके बाद ही न जाएंगे शायद, मेरा छोटी सा क्यूट बच्चा। जब तक पास्ता के लिए पानी गर्म हो रहा है, हम लोग पीते हैं एक ग्लास पानी बैठ के। तो पास्ता बॉयल हो गया और हम आ चुके हैं दुकान पे, पापा गए हैं दादी को पहुंचाने के लिए, जितने देर में आते हैं। अभी बज रहा है 8:30, तो फिर फटाफट से पास्ता बनाएंगे। और जैसे कि हमारा चैलेंज चल रहा था अल्फाबेट वाला, उसको हम 2-3 दिन का पाउस लगाए हैं, बिकॉज की ना कुछ वीडियोज के वजह से ना मेरा वीडियोज लेट हो रहा है, 3-3 दिन लेट चल रहा है। तो अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करते हो तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए सोचे कि थोड़ा सा डिले कर देते हैं, कोई ना फिर आराम से करेंगे। और भी मेरे दिमाग में बहुत सा अच्छा अच्छा चैलेंज है, जो कि ये 26 दिन का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा के मेरे इस फैमिली के आप लोग भी मेंबर बन जाइए। एक ये वाला बिस्किट है और एक ये है ना चीनी वाला, दोनों में से कौन सा देते हैं? ठीक है। पास्ता बॉईल करके और ये सबको कट करके गए थे, बॉईल करने के बाद ना इसमें हल्का सा ना रिफाइंड तेल डाल देते हैं ताकि ये एक दूसरे में सटे नहीं। और चलिए फटाफट से प्याज भी कट करते हैं और बनाते हैं पास्ता। लोग क्या कहेंगे ये सोच के हम ब्लॉग ना बनाए, तो मम्मी वो तो हो नहीं पाएगा इस दिन में। अच्छा है, लोगों के लिए टॉपिक है, हम चर्चा का विषय कीजिए चर्चा। हम पास्ता भी वो सारा कुछ कर लिए हैं और क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा पास्ता बनेंगे, सिंपल तो नहीं लेकिन हल्का मसाला वाला, हम एकदम अपना बनाते हैं ना, तो एकदम सिंपल सिंपल हमको मरीच और वो लाल वाला मिर्ची डाल के एकदम तीखा पास्ता दे दो, वो पसंद आता है। लेकिन अभी हम बना रहे हैं थोड़ा मसालेदार पास्ता, टेस्ट करके बताते। अरे जा, लहसुन अदरक डालना आज भूल गए भूल गए, ध्यान से हट गया, बताइए सारा चीज दिया, लहसुन अदरक नहीं डाले। चलिए कोई बात नहीं, वैसे बना लिए तो ऐसे ही खा लेते, फिलहाल जल्दी जल्दी से खाते पीते हैं, 9 बज चुका है, उसके बाद तैयार होंगे, नहाएंगे धोएंगे। आज वैसे को शैम्पू करना था, फिर सोचे कि परसों किए थे, आज नहीं, अब आराम से आज तेल लगाएंगे उससे कल करेंगे। पास्ता बंद हो गया, लेकिन जो है ना बिना लहसुन प्याज का ना वो मजा नहीं आ पा रहा, तो यहाँ लहसुन प्याज को सॉरी लहसुन और अदरक को कूट दिए और अभी इसमें तेल लगा के मतलब तेल लगा के तेल में अच्छे से फ्राई करके उसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा नमक का भी कमी था वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम रेडी हो चुके हैं, ये है मेरा आज का आउटफिट और मेरे साथ देखिए लंच कितना सारा है, आज डिमांड पे बना है पास्ता। लंच लेके आते हैं अपने लिए, और मेरा लंच देख रहे हो ना, शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो, कभी आप होता है कि अपने से लंच बना के मेरे लिए कुछ ले है? एक दिन पता है करेली लाया, पता है करेली का भुजिया में इतना प्याज डाल दिया, उस टाइम की प्याज ज़्यादा सस्ता था, करेली में तीखापन तो रहा ही नहीं, फिर बेकार हो गया, लेकिन मज़ा आ गया, खा लिए थे हम। एक टिफिन और है, ये मेरा है। चाहे 14 बार का इन्हें टेक लेना पड़े, लेंगे तो यहीं पर से। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा करने के लिए, क्या खाएंगे अभी तक प्लान नहीं किए, सोचे नहीं है, जो हुआ यूँ कि सुबह में पास्ता बनाने के चक्कर में इतना हड़बड़ा गए कि मम्मी बना रही सीम का सब्जी, मेरा मन कर गया खाने का लेकिन सब्जी बन गया था, पर रोटी बनने में 10 से 15 मिनट था, और हम निकल गए खाए पिए ने, लग रहा है बहुत कस के भूख 2:30 बज गया। चलिए खाते पीते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। कृपया मुंह ना बनाए, 75 रुपए का में अब उतना ही मिलेगा, इतने में उतना ही मिलेगा, अब इस छोटे प्लेट में खांचा का कमी था तो उसको दोनों चटनी को एक साथ दे दिया गया, इतने में इतना ही मिलेगा, क्या समझ में आया? वो तुम्हारा है ये, सॉरी ये तुम्हारा, ये मेरा है, दिस इज माइन। 2 मिनट के लिए लाइट कट नहीं हो गया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हो गया माउस के साथ, ये भी सही है, फोटो शूट अच्छा होगा क्या, फोटो खींच कर लेके। ये एक्सपेरिमेंट किस चीज़ से किया जा रहा है, माउस के लाइट से। और अभी हम जा रहे हैं, मम्मा बोली है वो और छोले कुलचे लेके आने के लिए, चलिए छोले कुलचे लेते हैं, काफी टाइम के बाद मम्मी का मन हुआ कि चलो अभी नहीं, हमको 2 ही बजे कॉल करके बोली आज मेरे छोले कुलचे लेते आना, तो चलिए मम्मा का डिमांड पूरा करते हैं।
देखते हैं, मम्मी पापा के लिए पैक करवा लिए छोले कुलचे और अब चले घर की ओर। ये दिवाली प्रिपरेशन चालू हो चुका है। आप लोग अपने घर पे लाइट कब लगा रहे हो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो उठ गया घर और मम्मी दुकान पे चली गई है, तो चलिए ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं। साथ भी बच्चों का है तो चाय बनाते हैं और सबका नाश्ता निकालते हैं। फुआ भी आई हुई है तो सबका नाश्ता निकाल के देते हैं। और मेरा वॉच जिसमें कि चार्ज फाइनली हो गया। अरे यार हुआ क्या ना, मेरा चार्जर खो चुका है जिसकी वजह से हम चार्ज कर नहीं पाते। और थोड़ा सा आलस इस बच्चे में ना, बहुत ज़्यादा आलस है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा आलस है अपना काम करने में। और ऐसे सारा काम कर देते हैं अच्छे से टाइम पे। देखते हो मेरे घर में कितना अंधेरा छाया हुआ है। खैर ड्रेस वगैरह चेंज करते, उसके बाद मिलते, लगता लाइट चला गया। हाँ देख लो हम सबका सर्व कर दिए और अगर हम चाय चढ़ा दिए। चाय जब तक आँच कम कर देते बनता है जब तक पापा लोग को दे आते। हम चाय पी के हम चाय नहीं पियेंगे, एक्स्ट्रा मत बनाना। अरे हुआ क्या, आज तीन बार लड़का हमको कॉल करके बोला दीदी छोले कुलचे लेते आएगा, मम्मी बोली है। फिर उसके बाद कॉल किया दीदी आइसक्रीम स्टिक लेते आएगा। फिर एक बार कॉल किया दीदी कहाँ पहुंचे। अरे हम लेके आने से मेरा आधा घंटा हो गया, अभी तक मेरे पास मिलने नहीं आया। बताइए वो फोन लेके पक्का बैठा होगा पापा का। मेरे रूम में लग गया है काम, यहाँ पर का जो पार्ट है ना उस पे हमने स्टिकर लगवाए थे, वो निकाल दिए। वो जो दिख रहा है ना उसी जगह पे अब ये क्या बोलते उसको, सनमाइका लगवा रहे अंकल जी से। हाँ आधा केजी लो, एक केजी तेल। अंकल बोल रहे ब्लॉग कर रही है कि खैर 9:40 हो चुका है और पापा से चले गए हैं पुआ के घर पे। तो बस सारा काम हो ही चुका है, थोड़ा सा और काम है तो करेंगे फिर चलेंगे। हम लोग भी आराम से बैठ के वीडियो एडिट करेंगे। आराम से बैठ के तो वीडियो हम एडिट करते नहीं है, जो भी काम होता है वो यहीं पे करते हैं। खैर ये सब चलो वीडियो एडिट तो होता रहेगा। दांत में मेरे वो आपस से दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा, मतलब ना कैसे बोले सब सपाता टाइप का कुछ होता है ये नीचे का चारों दांत में, पता नहीं कैसे ठीक हो गया। बीच बीच में ठीक हो जाता है और उसका फिर होना शुरू हो जाता है। ये सारा सामान वगैरह भी नाप दिए, इसमें बस एक फॉर्चून देना दादी लाने गई है। अभी हम लौटे दुकान से, खाए पिए एस किए और आज का बर्तन हम नहीं धोए, बर्तन मामा धो दिए और अपने बालों में चंपी किए हैं क्योंकि मेरा मन कर रहा था कल करेंगे शैम्पू। एंड अभी हम देख रहे थे बहुत सारा ऐसा चैलेंजेस, वीडियो देखे इतना सारा देखे कि अब मेरा मन नहीं करने लगा। लेकिन सोच रहे पहले अभी अल्फाबेट वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करें। काफी सारा कंटेंट है मेरे पास जमा, तो बस वीडियो में बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग्स में बने रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक्सपीरियंस वाला चीज करने वाले हम लोग। खैर इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8:30 बजे। ध्यान रखिएगा जब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर। बर्तन बच गया जो तुम मेरे मंजवाओगी। हम बेटा अभी भागलपुर जाने वाले थे, मम्मा मेरे को नहीं जानी थी। अच्छा कि मम्मा बहुत गंदी है, बहुत गंदी है, क्यों बोलती हो कुछ हमको मत बोलो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे बात क्यों नहीं करेंगे, तुम बहुत गंदी हो, हमको भागलपुर नहीं जानी थी, उनको नहीं जाने थी, मम्मी मेरे को नहीं जाने थी। मिलते हैं गाइस आप लोगों से कल सुबह 8:30 बजे, ध्यान रखिएगा अपना। ओके बाय 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 हाँ देखो बाय कहे बाबा बाय बताते हैं तुमको। चलिए मिलते हैं गाइस, ओके बाय।